परंतु मैं हाथ में डंडा लेकर धीरे धीरे हाथी की तरफ बढ़ा। लोग सम्मोहित होकर आसपास की छतों से यह दृश्य देख रहे थे। हाथी ने गुस्से से मेरी तरफ देखा और वह मुझ पर टूट पड़ने को रेडी था। वह अपनी सूंड उठाकर जोर से चिंघाड़ा। उसी समय मैं उसकी ओर बढ़ा और अपनी पूरी ताकत कलेक्ट करके उसके तीसरे नाखून पर जोर से डंडा मारा। एक पल के लिए तो लगा कि हाथी बेहोश हो रहा था, फिर उसे कपकपी आ गई और वह लुढ़क गया। इतनी कहानी सुनाने के बाद कहानी को अधूरा छोड़कर ईश्वरण खड़ा हो जाता और भुनभुनाता हुआ कहता, मैं गैस जलाकर और खाना गर्म करके अभी आया। महेंद्र, जो कहानी को बड़े ध्यान से सुन रहा होता था, वह बीच में ही रह जाता है। जब ईश्वरण लौटता तो वह अपनी कहानी को आते ही फिर शुरू नहीं करता। तब महेंद्र उसे याद दिलाता कि कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। तब ईश्वरण कहता, तो हाथी का ट्रीटमेंट करने के लिए एक डॉक्टर को बुलाया गया था और दो दिन बाद उसका महावत उसे जंगल में ले गया था। महेंद्र ने पूछा, अच्छा ईश्वरण, तुम यह बताओ कि तुमने हाथी को कैसे गिरा दिया था? ईश्वरण ने उत्तर दिया, इसका संबंध जापानी कला कराटे या जुजित्सु से था, जिसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था। इससे नर्वस सिस्टम टेम्परेरिली पैरालाइज हो जाता है। कोई भी दिन ऐसा नहीं बीतता था जिस दिन ईश्वरण कोई रोमांचक कहानी न सुनाए। चाहे कहानी विश्वास करने लायक हो या ना हो, महेंद्र को कहानी सुनने में आनंद आता था, क्योंकि ईश्वरण का कहानी सुनाने का ढंग बहुत ही अलग और निराला होता था। ईश्वरण की वजह से महेंद्र को अपने कमरे में टीवी की कमी महसूस नहीं होती थी। एक दिन जब महेंद्र नाश्ता कर रहा था तो ईश्वरण ने पूछा, क्या आज रात में डिनर के लिए कुछ स्पेशल खाना बनाऊं? आज का दिन बड़ा शुभ है। परंपरा के अनुसार आज हम अपने पूर्वजों की आत्माओं को सेटिस्फाई करने के लिए स्वादिष्ट खाना पकाते हैं। उस रात महेंद्र ने बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट खाने का आनंद लिया और ईश्वरण की खाना बनाने की स्किल्स की भी बहुत तारीफ की। ईश्वरण बड़ा खुश दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक उसने भूत प्रेतों की कहानी सुनाना शुरू कर दी। ईश्वरण ने कहना शुरू किया, आप जानते हो कि इस इंडस्ट्री का सारा एरिया किसी समय कब्रिस्तान था। उसकी यह बात सुनकर महेंद्र, जो इतना अच्छा खाना खाने के बाद सपनों में डूब गया था, उसे अचानक से झटका सा लगा। ईश्वरण कहता गया, मैं तो उसी दिन से यह जानता था जब मुझे रास्ते में पड़ी खोपड़ी मिली थी। अब भी कभी कभी मुझे खोपड़ियां और हड्डियां पड़ी मिल जाती हैं। वह सुनाता गया कि मुझे कभी कभी रात को भूत भी दिखाई देते हैं, लेकिन मैं उनसे नहीं डरता क्योंकि मैं एक साहसी व्यक्ति हूं। लेकिन एक औरत का भयानक भूत पूर्णिमा की आधी रात को दिखाई देता है। वह बहुत ही भयंकर और कुरूप औरत है। उसके बाल उलझे हुए हैं और चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई हैं। वह कंकाल जैसी दिखती है और अपनी गोद में भ्रूण यानी गर्भस्थ शिशु को उठाए हुए होती है। महेंद्र यह वर्णन सुनकर कांप उठा और उसने आवेश में आकर ईश्वरण को टोक दिया, तुम पागल हो, भूत प्रेत नाम की कोई चीज नहीं होती है, यह सब केवल तुम्हारी कल्पना है। मुझे लगता है तुम्हारा हाजमा ठीक नहीं है और शायद तुम्हारा दिमाग भी, तुम बकवास कर रहे हो। महेंद्र सोने के लिए चला गया। वह सोच रहा था कि ईश्वरण दो तीन दिन तक दुखी रहेगा, लेकिन अगले दिन ही उसने देखा कि ईश्वरण तो पहले की तरह ही खुश और बातूनी था। उस दिन से महेंद्र को सोते समय कुछ बेचैनी रहने लगी। अब हर रात को महेंद्र अपने बिस्तर के पास वाली खिड़की से बाहर अंधेरे में झांकता था, यह देखने के लिए कि आसपास कोई परछाई तो नहीं घूम रही है। लेकिन उसे अंधेरा ही अंधेरा दिखाई देता था और दूर फैक्ट्री की टिमटिमाती रोशनियां। महेंद्र को पूर्णिमा की रात में चांदनी में घुला मिल्क व्हाइट लैंडस्केप बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता था, लेकिन ईश्वरण की उस भूतनी की कहानी को सुनने के बाद पूर्णिमा की रात को खिड़की से बाहर झांकने की भी उसमें हिम्मत नहीं बची थी। एक रात अपनी खिड़की के पास कराहने की आवाज सुनकर महेंद्र की नींद खुली। पहले तो उसने यह समझा कि कोई बिल्ली घूम रही है, लेकिन वह कोई बिल्ली की आवाज नहीं लग रही थी। वह आवाज मनुष्य के गले से आती हुई लगती थी। यह देखकर महेंद्र बाहर देखने के लिए एक्साइटेड हुआ, लेकिन उसे डर लग रहा था कि कोई भयानक दृश्य ना हो। लेकिन आवाज ऊंची होती चली गई और इतना तो क्लियर था कि वह आवाज बिल्ली की नहीं थी। महेंद्र अपनी क्यूरियोसिटी को रोक नहीं पाया। खिड़की के पास बैठकर उसने बाहर चांदनी रात में झांका। थोड़ी दूरी पर ही एक परछाई गठरी सी उठाए हुए खड़ी थी। दृश्य देखकर महेंद्र को ठंडा पसीना आ गया और हांफते हुए
वह अपने तकिए पर जा गिरा। धीरे धीरे जब वह इस भयानक दृश्य के प्रभाव से बाहर निकला तो उसने अपने मन को समझाया कि वह उसके मन का भ्रम ही था। सवेरे जब महेंद्र उठा, नहाया और नाश्ता करने के लिए अपने कमरे से बाहर आया तो रात वाली भयानक घटना उसके मन से निकल चुकी थी। ईश्वरन ने दरवाजे पर उसके दोपहर के लंच पैकेट और उसका बैग उसे थमाया और फिर हंसते हुए कहा, जब मैंने आपको उस भूतनी की बात सुनाई थी तो आप मुझसे नाराज हो गए थे। अब तो आपने भी कल रात उसे देख लिया है। जब मैंने आपके कमरे से आती हुई आवाज सुनी तो मैं दौड़कर आया था। महेंद्र को कपकपी सी हुई। उसने ईश्वरन का सेंटेंस पूरा नहीं सुना। वह सीधा अपने ऑफिस में गया और अपना रेजिग्नेशन दे दिया। उसने उस भूतों वाली जगह को अगले ही दिन छोड़कर जाने का निश्चय कर लिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, मुझे पूरी उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो टू द अदर स्टूडेंट्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, गुड बाय।